बैक टू माई चैनल। तो आप लोगों का बहुत अमेजिंग रिस्पॉन्स आया इंस्टाग्राम पे, सो सॉरी मैं रॉ मटेरियल तो अभी नहीं है, जब दोबारा बनाऊंगी तो डेफिनेटली मैं अपलोड करूंगी। सो मैंने सोचा कि मैं इसी में आपको बता देती हूँ कि मैंने ये कैसे बनाया है। इट्स वेरी इजी। मैंने यहाँ पे लिया होगा 50 ग्राम जितना वॉलनट्स एंड 50 ग्राम ही आलमंड्स एंड 10 से 12 डेट्स, ठीक है, जो हम खजूर एंड फिग्स अंजीर वो हम मैंने लिए हैं 5 से 6 अंजीर। और किसी को भी भिगोना नहीं है, आपको सिर्फ मिक्सी में डालना है अच्छे से या फूड प्रोसेसर में डाल के इसको ग्राइंड कर लेना है। थोड़ा सा मैंने इसमें रॉ कोकाओ पाउडर भी यूज किया है। आई जस्ट शो यू, ये मैंने यूज किया है 2 स्पून्स। ऑलराइट, सो मैंने 50 ग्राम जितना आलमंड्स लिया, 50 ग्राम वॉलनट्स, 10 से 12 डेट्स एंड 5 से 6 अंजीर एंड 2 चम्मच जितना रॉ अनस्वीटेंड कोको पाउडर जो मैंने अभी आपको दिखाया, ये रहा। इन सबको मैंने अच्छे से मिक्सी में या फूड प्रोसेसर में ग्राइंड कर लिया। उसके बाद आपको इसमें मतलब बहुत कम पानी डालना है ताकि आप इसकी बॉल्स, ज़्यादा गीला हो जाएगा तो आप इसको वो नहीं कर पाएंगे, बाइंड नहीं कर पाओगे। एंड 1 स्पून मैंने इसमें कोकोनट ऑयल भी यूज़ किया है, ओके, जस्ट फॉर द फ्लेवर। सो अब क्या करना है, इसको फ्रिज में रख दो ये बना के। उसके बाद ये ऐसा हो गया, इसकी आपको बॉल्स बनानी है ऐसे। एंड ये मेरे पास यहाँ पे डेसिग्नेटेड वो है कोकोनट, लाइक दैट, एंड इट्स रेडी। अब इसको फ्रिज में आप फ्रीज कर लो ऐसे बॉल बना के, एंड दे आर रियली गुड, ओके। अगर आप वेट लॉस जर्नी पे भी हो या वेट गेन वाले भी इसको खा सकते हैं, या फिर शुगर पेशेंट या जिसको भी स्वीट की क्रेविंग होती है वो ये डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। तो ऐसे हम इसको बना के स्टोर कर लेंगे एक बॉक्स में। तो ये ड्राई कोकोनट या डेसिकेटेड कोकोनट आपको अमेजोन या किसी भी शॉप से मिल जाएगा। ये मैंने ऐसे ये वाला यूज किया है। अब मैं इसको स्टोर करूंगी फ्रिज में, ठीक है, और दिन में 1 किलो, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ऑफ कोर्स कैलोरीज तो सब में होती ही हैं, क्योंकि इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स यूज हुए हैं, तो आपको ज़्यादा नहीं खाना है ये। ऐसे इसको किसी भी एयर टाइट कंटेनर में आप स्टोर कर सकते हो। सो या ये देखिए, ऐसे मैंने इसको एयर टाइट कंटेनर में फ्रिज में रख दूंगी, और स्वीट क्रेविंग के लिए बेस्ट है ये, क्योंकि इसमें सब कुछ अच्छे ड्राई फ्रूट्स एंड थोड़ा चॉकलेटी भी है, क्योंकि इसमें मैंने कोको पाउडर भी यूज़ किया है। इसको हम ऐसे स्टोर कर देंगे। तो आप ट्राई करना और मुझे टैग करना।